नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, यदि रूरल बेस पे या डिजिटल बेस पे, तो आपको इंटर्नशिप ये समर में बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप वो फ्री में कर सकते हैं। बट उसका यूटिलाइज ये है कि आपका फ्यूचर में या कहीं भी सोर्स ऑफ जॉब में ये बहुत ही काम आता है। तो आपको कहीं जॉब करना है या कहीं भी, तो इंटर्नशिप का बहुत ही यूज़ होता है। ये है, गवर्नमेंटल है, आप ये देख सकते हैं, इंडियन नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के लिए है, nfi.org.in पे जब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च करेंगे nfi.org.in, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा, ये मतलब एक कल्चरल विंडो ओपन हो जाता है जिसमें रूरल से रिलेटेड आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। देख सकते हैं ये व्यूज़ है, इस बेसिस पे आपको एनजीओ से रिलेटेड होती है, बहुत सारी बेनिफिट है इसके, यूज़ भी कर सकते हैं, स्टेट्स से हैं, पार्टनर से, फाउंडेशन से हैं, बहुत ही बढ़िया तरीक़ों से इन्होंने डिज़ाइन किया है। बट आप इससे यदि करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 3 डॉट लाइन बने हुए हैं, आपको इंटर्नशिप रूरल इंटर्नशिप जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रूरल इंटर्नशिप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें अभिजीत सेन जो है वो ये इन्हीं के रिगार्डिंग पे चल रहा है, ये अभिजीत सेन रूरल इंटर्नशिप। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम डिटेल है, इन ए पर्सन ओरिएंटेशन एंड फाउंडेशन ऑफ कॉन्फर्ट 5 डेज का है, 5 दिनों का है। ये आपको फील्ड विजिट है 5 दिनों का, 21 से 28 तारीख तक है, 28 दिनों तक है फील्ड विजिट। ओरिएंटेशन फंड जो होगा वो आपको 5 दिन देना पड़ेगा। इसमें आपको प्रोग्राम डिटेल है जो फील्ड विजिट है 21 से 28 दिनों तक का होगा। रिपोर्ट राइटिंग जो होगा 15 दिनों का तक होगा। तो आप इसमें पूरी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फील्ड लोकेशन क्या होगा, ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में आप कर सकते हैं, ये सारी जो मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये फील्ड लोकेशन है, अपॉर्चुनिटी है कि एनजीओ से अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज इन रूरल इंडिया, एनजीओ वर्किंग ऑन रूरल इशू क्या है, एनजीओ का वर्किंग ऑन रूरल का इशू क्या है, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग ऑन कंडक्टिंग रिसर्च, एडवांस नॉलेज, फील्ड वर्क, रिसर्च रिपोर्टिंग, राइटिंग का एक्सपीरियंस होगा आपको। NFI विल कवर ट्रेवल, हाँ ये भी है, NFI विल कवर ऑल ट्रेवल, फूड, एकोमोडेशन एक्सपेंसेस, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और स्टिपेंड ऑफ 20,000 विल बी पेड इन द इंटर्म अप टू कम्प्लीटेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, आपका जब तक रिपोर्ट कंप्लीट होगा ये 20,000 रुपये आपको वो देंगे, पे करेंगे इंटर्नशिप का। और ये इन्होंने मेंशन भी किया है कि NFI विल मतलब कवर ऑल ट्रेवल, फूड, एकोमोडेशन, सारे पैसे अब खाने पीने का वो मिलेंगे। हाँ, इसमें क्या पोजीशन है, अप टू 50 इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइडेड स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 50 स्टूडेंट को ही लिया जा रहा है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। टेंटेटिव टाइमलाइन क्या है, आपको 21 मई से लास्ट डेट है, आप 21 मई तक ही अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन क्या है, 15 जून तक है। और इंडक्शन एंड फील्ड वर्क जो होगा 25 जून से लेकर के 5 अगस्त तक ये चलेगा। तो मतलब ये पूरी डेट जो कंप्लीट है ये आपको इसमें काम करने पड़ेंगे, उनके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो ये फाइनल सिलेक्शन जो होगा 15 जून को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटर्न एप्लीकेशन एंड फाइनल पर्सनल इंटरव्यू, जो रिटर्न एप्लीकेशन होगा वो होगा। वोमेन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट फ्रॉम दलित, आदिवासी जो है, ट्रिबल जो है एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्रेवल इंकरेज टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वोमेंस के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, बेसिकली ये है, ये मतलब आप कनेक्ट हो सकते हैं रूरल लोगों से। तो अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ओनली थ्रू द ऑनलाइन से ही कर सकते हैं अप्लाई। और मैंने जो बताया था 21 मई तक ही लास्ट है, जो आप आधी रात तक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या है, आप यहाँ पे ऑप्शन बना होता है क्लिक करने के लिए, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका नाम, कॉन्टेक्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, जो भी स्टार बना हुआ है आपको वो मतलब आपको देना ही देना है वो डिटेल, ऐसा नहीं है आप नहीं दे सकते हैं। इसमें पब्लिक का प्राइवेट जो आप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, नेम ऑफ कॉलेज का एड्रेस है। यहाँ पे जेंडर में आपको अप्लाई करना है, जेंडर में कौन से जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं, फीमेल है, मेल है, ट्रांस है। और लैंग्वेज आप प्रेफर कौन सा करते हैं, लैंग्वेज जो आप जानते हैं कौन सा वो भी आपको बताना है। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और या कोई रीजनल लैंग्वेज आप जानते हैं वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं फिक्स है कि आप एक ही कर सकते हैं। और यहाँ पे रीजनल भी है, रिलीजन भी है, रिलीजन भी आपको भरना पड़ेगा इसमें। कास्ट है, डिग्री ऑफ प्रोग्राम है, आप कौन सा डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं,
स्ट्रीम ऑफ साइंस, आप कौन से स्ट्रीम से आपने किया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से किससे किया है, ये भी है। ईयर है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कौन सा आप चल रहा है, या आपका फोर्थ ईयर चल रहा है। एबिलिटी ऑफ 25 डेज फील्ड वर्क टेंटेटिव जून टू जुलाई, तो आपको आपका यस करना है इसमें कि आपको रह सकते हैं, अवेलेबल हैं। प्रेफर्ड लोकेशन, आप कौन सा लोकेशन आप इसमें चूज कर सकते हैं, कोई भी तीन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाने के लिए रेडी हैं, एग्री हैं। यदि कोई सोशल मीडिया आपका अकाउंट है तो वहाँ का भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है देना आप, क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है आगे, जो भी लिखा होता है उसका स्टार मार्क आगे लगा होता है, इसका मतलब वो कंपलसरी आपको देना। तो इफ़ यू हैव दिस तो है, यदि कोई सोशल मीडिया अकाउंट तो आप दे सकते हैं, यदि कोई सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हैं तो इन्फ्लुएंसर हैं एक तरह से, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा एक तरह से। मोटिवेशन फॉर इंटर्नशिप, आप कैसे आप अपने आपको बताना चाहते हैं कि इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है, ये कंपलसरी है, स्टार मार्क लगाओ इसमें तो कंपलसरी है, तो आप क्या कर सकते हैं। टेल अबाउट योर पर्सनल जर्नी, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं। यहाँ पे व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर रूरल, आप रूरल के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी है कि हम रूरल से जुड़ना चाहते हैं, ये दो चार वर्ड ऐसे आपको डालना पड़ेगा इसमें कि आप रूरल से गांव या विलेज के समस्याओं से जुड़ना चाहते हैं, उनसे उनकी बातों को, उनके जो शिकायत है या उनको जो तकलीफें आती हैं, या वो किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को यूज करके लाइफ स्टाइल जीते हैं, या रूरल में क्या समस्याएं हैं, आप उनको, आपको तो बेहतर तरीके से यदि मालूम हो, यदि गांव से रिलेटेड जुड़े हों तो हर बातों को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर द इशू वुड यू रिसर्च ऑन इट, आप रिसर्च आपने क्या किया है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कभी रिसर्च आपने देखा हो कि क्या क्या सोचा है, अपने समस्याओं को क्या देखा है अपने गांव में रूरल एरिया में, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। आप अपना CV है तो CV आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि JPG में है भी, अलावा है PDF में भी है, डॉक फाइल में भी, मतलब MS Word में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई आपका डॉक्यूमेंट है जो बेनिफिट है, लगता है कि हाँ ये इंटर्नशिप के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, हेल्पफुल होगा, जो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, तो आप उसको भी डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आपने एक्स्ट्रा यदि कोई वर्क किया है अपने पढ़ाई से रिलेटेड, या रेगुलर बेसिस पे भी आपने किया है कोई काम, तो वो भी आपके यूज़फुल होगा, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हाउ डू यू नो अबाउट द इंटर्नशिप, कैसे आपने जाना, तो इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से, कैंपस इवेंट से, तो सोशल मीडिया से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फैमिली फ्रेंड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा इसमें। ये बहुत ही हेल्पफुल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको रूरल इंटर्नशिप के लिए बहुत ही कम मिलता है ये चांसेस या अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अप्लाई कर सकते हैं पढ़ाई के बाद, या पढ़ाई चल रहा है तभी, तो ये समर वैकेशन आने वाली है, तो इसका बहुत ही यूटिलाइज आप कर सकते हैं इजीली। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैंने जो बताया ये बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप अप्लाई जल्दी कर लें, क्योंकि 21 मई ही लास्ट डेट है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।